राजपूत समाज बिगाड़ देगा सारा खेल। पहले फेज की 8 सीटों पर सियासी समीकरण। देश के सबसे बड़े सूबे के 7% वोटर नाराज। ठाकुरों की महापंचायत में क्यों खाई गई महाकसम। 80 के किले में 8 सीटों पर बीजेपी कहां खड़ी। 2024 के चुनावी रण में 80 के किले में पहले फेज में 19 अप्रैल को 8 सीटों पर मतदान होने हैं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत पर सभी राजनीतिक दलों ने अपना पूरा पूरा दम दिखाने की कोशिश की और जनता को साधने के लिए बड़े बड़े वादे किए। यहां देखना ये भी होगा कि बीजेपी से नाराज क्षत्रिय समाज का वोट किसे जाता है और वो किसे जिताते हैं। चलिए यहाँ इन 8 सीटों पर क्या माहौल है और सियासी समीकरण क्या बन रहा है इस पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि आज से प्रचार पर रोक लग जाएगी इन 8 सीटों। पहले सहारनपुर सीट की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस ने इमरान मसूद को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने राघव लखनपाल शर्मा और बसपा ने माजिद अली को चुनावी मैदान में भेजा है। अब देखना होगा कि ये सीट किसकी होती है। हालांकि सभी पार्टियों के दिग्गजों ने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकी है। सहारनपुर लोकसभा सीट पर मुस्लिम और दलित मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यहाँ मुस्लिम वोटर की संख्या करीब 6.5 लाख है, दलितों की 3.5 लाख, क्षत्रिय की 1.5 लाख, सैनिक की 1.25 लाख, गुजरों की 1.2 लाख, जाट 1 लाख, ब्राह्मण 80,000 और वैश्य मतदाताओं की संख्या 70,000 के करीब। और अगर 1.5 लाख क्षत्रियों ने एक साथ बीजेपी को वोट नहीं दिया तो ये सीट बसपा के लिए आसान हो जाएगी। कैराना लोकसभा सीट पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी ने अपनी सबसे कम उम्र की प्रत्याशी को उतारा है, इकरा हसन। सपा की उम्मीदवार है और जमीन पर जनता और महिलाओं से बात करती हुई दिखाई देती है। बसपा प्रत्याशी श्रीपाल राणा को उतार कर मायावती ठाकुरों का वोट लेना चाहती है। बसपा पार्टी यहां सर्व सम्मान की बात करती है। वहीं बीजेपी ने यहां से प्रदीप चौधरी को मैदान में उतार दिया है, लेकिन जनता के बीच इकरा की पकड़ ज्यादा दिखाई देती है। मुस्लिम बहुल कैराना सीट पर 2 हिंदू प्रत्याशियों के सामने मुस्लिम कैंडिडेट भारी पड़ने वाली है। इस सीट पर मुस्लिम, जाट, गुजर, दलित, कश्यप वोटर सबसे अहम होंगे। मुजफ्फरनगर सीट ठाकुरों का गढ़ माना जाता है। यहां से बीजेपी उम्मीदवार और सांसद संजीव बालियान जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन एक बात उन्हें भी पता है कि क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, क्योंकि मीडिया से बात करते हुए बालियान ने खुद कहा था कि सीएम योगी नाराज लोगों को मना रहे हैं, सभी मान जाएंगे। ऐसे में इतना तो साफ है कि रण काफी मुश्किल है। मायावती ने इस बार मुजफ्फरनगर में दारा सिंह प्रजापति को उम्मीदवार बना दिया और दारा सिंह प्रजापति बीजेपी के ओबीसी वोट को जबरदस्त सेंधमारी करते हुए दिखते हैं। सपा ने हरिंद्र मलिक को उतारा है, जिन्हें वोट देने को लेकर कल ठाकुरों की महापंचायत में लोटा नमक डालकर कसम खाई गई। बिजनौर सीट एनडीए से आरएलडी के खाते में है। चंदन चौहान को टिकट दिया गया। सपा ने यशवीर सिंह धोबी को मैदान में उतारा है, तो वहीं बसपा ने बिजनौर सीट से चौधरी विजेंद्र सिंह को खड़ा किया है। ये सबसे अहम सीट बसपा के लिए है, क्योंकि यहां से बहन जी पहली बार लोकसभा गई थी। करीब 5 लाख के आसपास यहां मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 4 से 4.5 लाख के बीच दलित वोटर हैं, 1.5 से 2.25 लाख के करीब जाट हैं, इसके अलावा 75,000 से 1 लाख के बीच गुजर वोटर हैं, 50 से 60,000 के बीच ब्राह्मण हैं। वहीं इसके अलावा चौहान, त्यागी, बनिया सहित अन्य जातियों का भी वोट इसमें शामिल है। इस सीट पर मुस्लिम और दलित वोटर हमेशा निर्णायक रहे हैं। नगीना सीट पर असल लड़ाई बसपा और चंद्रशेखर के बीच है। यहां से बीजेपी ने ओम कुमार को खड़ा किया है, सपा ने मनोज कुमार को, तो बीएसपी ने सुरेंद्र पाल को उतारा है। वहीं इंडिया गठबंधन का साथ नहीं देने पर चंद्रशेखर रावत आजाद समाज पार्टी से मैदान में है। लगभग 46% मुस्लिम मतदाता यहां है, जबकि 21% दलित मतदाता है। ऐसे में मुस्लिम किस ओर जाते हैं और चंद्रशेखर और बसपा में से दलित वोटरों को कौन साध पाता है, ये देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। मुरादाबाद की बात की जाए तो बीजेपी ने यहाँ से सर्वेश सिंह, तो सपा ने रुचि वीरा को और बसपा ने मोहम्मद इरफान सईदी को उतारा है। यहाँ सपा का प्रत्याशियों को लेकर ड्रामा देखा गया था। यहाँ से सपा ने हसन का टिकट काट कर रुचि को टिकट दिया है।
45 फीसदी से ज्यादा यहाँ मुसलमान हैं और पिछले कई सालों से यही वर्ग इस सीट पर हार जीत तय कर रहा है। मोदी लहर के बावजूद ये सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी, इसके बाद भी सपा ने हिंदू कैंडिडेट को यहाँ खड़ा किया है। अब इसका फायदा बीजेपी उठाती है या फिर बसपा का मुस्लिम उम्मीदवार जीत दर्ज करता है। रामपुर से बीजेपी ने घनश्याम लोधी को मैदान में उतारा है तो सपा ने मोहिबुल्ला नदवी को और बसपा ने जिशान खां को उतार दिया है। अगर जेल से आजम खान अखिलेश को सबक सिखाने के लिए खेल करते हैं तो फिर ये सीट बीजेपी के पाले में जाएगी या फिर बसपा के, कहना अभी काफी मुश्किल है क्योंकि 51% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है जबकि 46% हिंदू आबादी है। पीलीभीत सीट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा दिलचस्प यही सीट रहने वाली है क्योंकि यहाँ से सांसद वरुण गांधी का बीजेपी ने टिकट काट कर जितेंद्र प्रसाद पर भरोसा जताया है। वहीं अखिलेश यादव ने यूपी में प्रचार की शुरुआत ही यहां से की, बीजेपी को आड़े हाथों लिया। यहां से सपा ने भगवंत सरन गंगवार और बसपा ने अनीस अहमद खां को मैदान में उतारा है। पीलीभीत की जनता थोड़ी बीजेपी से नाराज है, वरुण शांत है। अब ये साइलेंट वोटर 19 अप्रैल को क्या करेंगे सिर्फ उन्हें ही पता है। 7% आबादी वाले ठाकुरों की नाराजगी बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए सीएम योगी भी क्षत्रिय समाज को मनाने में लगे हुए हैं। हालांकि पहले फेज के लिए पीएम मोदी ने भी 2-2 जनसभाएं की हैं, लेकिन इसका असर कितना जमीन पर होगा इसका पता तो 4 जून को ही लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।